ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस वहां उनकी पोजीशन को लेकर लगातार उन पर हमलावर हो रही है। एक बार फिर से सिंधिया का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे लेकर कांग्रेस उन पर चुटकियां ले रही हैं। दरअसल एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, जिनके फोटो और वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि सिंधिया कतार में बैठे हैं, वहां से उठकर वो पीछे की कतार में चले जाते हैं। कांग्रेस इसी को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा, उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, इतना पीछे बिठाए तो उठकर चले जाना जरूरी है। वहीं योगेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस के महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बीजेपी में इसलिए गए थे कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, और अब बीजेपी में भाई साहब कहकर उनका इतना सम्मान है कि वो पहले से ही पीछे बैठे थे, उन्हें इशारों से उठाकर और पीछे भेज दिया जाता है। इसके साथ एक वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के नामांकन फॉर्म जमा कराने के दौरान का है। इस दौरान पहली कतार में धनखड़ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठे हुए हैं। वहीं इसके पीछे वाली पंक्ति में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे लीडर बैठे हुए हैं। तीसरी लाइन में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अन्य नेताओं के साथ बैठे थे, लेकिन किसी कारण बस अपनी सीट से उन्हें उठना पड़ा और पीछे वाली लाइन में जाकर बैठना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने एक यूपी कैडर के रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर के ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इसलिए गए कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं था, और अब बीजेपी में उनका कितना सम्मान है इस फोटो में आप उन्हें देख सकते हैं। फोटो में एक तीर के माध्यम से उन्हें दिखाया भी जा रहा है, जहां वो सम्मान सहित जलवाफरोज है। इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर किया गया है जिसमें सिंधिया पीछे बैठे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।